अच्छा जी, अब हमारा जो लास्ट इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोगों ने मास ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन निकालनी है हाइड्राजीन में, कि हाइड्राजीन में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो हाइड्राजीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है N2H4, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो परसेंटेज के फॉर्मूले में हमें मोलर मास लगाना होता है, मोलर मास लगाना होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका मोलर मास जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का मास होता है 14 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं 4, ठीक है। सो जब हम लोग इनको एड अप कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। सो दैट मीन्स द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 32, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले में या इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। तो आप यहाँ पर देखें N2 है, दैट मीन्स हमारे पास इसमें 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वही वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स, जिस भी चीज़ का, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं वो एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है, आप नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ दैट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं तो हम उसका AR यहां पर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है वो मल्टीप्लाई बाय, ऑब्वियसली हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो दैट वुड मल्टीप्लाई विद 100। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं नाइट्रोजन के 2 मल्टीप्लाई बाय AR क्या है, सॉरी AR है 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 100। सो द आंसर वुड बी 87.5%। सो इसका मतलब क्या है, दैट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ यूरिया वी हैव 87.5% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मैंने आपको इस वीडियो में नाइट्रोजन की निकाल के दिखाई, आप हाइड्रोजन की भी निकाल सकते हैं सेम इसी तरह से। बस इस फॉर्मूले में क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो आपने वैल्यूज पुट की है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ द नाइट्रोजन, उसकी जगह आप अपने डिजायर्ड एलिमेंट की वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे। थैंक यू सो मच।